नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके के न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय सिंह चौहान। और बड़ी खबर, नोएडा सेक्टर 58 थाना क्षेत्र से चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक्शन में दिखे नए एसएसपी अजय पाल शर्मा। 24 घंटे के भीतर लगातार दूसरी बार पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। फायरिंग के दौरान एक बदमाश को गोली लगी, एक बदमाश मौके से फरार हो गया। फरार हुए बदमाश की तलाश जारी है। एक व्यक्ति उम्र करीब 37 साल है, थाना 58 की पुलिस समय करीब 8:15 बजे जिला अस्पताल में लाई थी। उसके परीक्षण के बाद पता लगा कि उसके पैर में गोली लगी है। पेशेंट पूरी तरह स्टेबल है और आगे के फर्दर इलाज के लिए फर्दर सीनियर्स को अवगत करा दिया गया है और उसको आगे के इलाज के लिए ऊपर वार्ड में शिफ्ट कर दिया। सर, कितनी गोली लगी है उसके? एक गोली लगी लेफ्ट। नोएडा में भारतीय किसान यूनियन भानु कार्यकर्ताओं ने मनाया शहीद दिवस। दीप जलाकर भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को किया गया याद। कार्यक्रम में पत्रकारों को भी किया गया सम्मानित। मुख्य अतिथि एसपी सिटी अरुण कुमार सिंह ने कहा कि देश सेवा हर भारतीय के लिए जरूरी है। अगर हम बैठ के भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं तो उसके पीछे उन महापुरुषों का बलिदान है, उन महापुरुषों का बलिदान। नोएडा सेक्टर 45 सदरपुर में शहीद दिवस पर रैली निकालकर शहीदों को नमन किया गया। यह कार्यक्रम हिंदू जागरण मंच के द्वारा किया गया। नोएडा सेक्टर 110 के बीडीएस मार्केट में मनाया गया छठ पूजा महोत्सव। यह कार्यक्रम प्रवासी छठ पूजा समिति के द्वारा किया गया। बिहार पूर्वांचल के लोगों ने सूर्य देव को अर्घ देकर छठ पूजा मनाया। जेके के न्यूज की और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें जेके के न्यूज।